हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संक्रांति में लगाने वाले भोग। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये भोग। ये अलग तरीके से बनता है। ये उड़ीसा में बहुत ही फेमस भोग है। मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है केला, और ये मिश्रीकंद, और ये शकरकंद, और यहाँ खीरा, और ये गन्ना, नारियल, और ये देखिए गुड़। इसमें गुड़ आप डाले तो बहुत ही स्वादिष्ट आता है। उसके बाद ये थोड़ा पोहा, बस इतना ही चाहिए। तो चलिए, और यहाँ अदरक भी चाहिए। और उसके बाद देखिए ये मिश्रीकंद का ये छिलका हमने हटा दिया है, और ये खीरा का भी छिलका हटा दिया है। बस ये सब छिलका पहले हम हटा देते हैं, और उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बस इसे काटेंगे। तो ये देखिए, ये गन्ना का भी हमने इस तरह से काट लिया है। ये गन्ना को भी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। देखिए इस तरह से इसका छिलका हटाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे। और कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो ये देखिए, यहाँ गन्ना को बस इतना छोटा छोटा टुकड़ों में हम काट के रख लिए हैं। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो खाने में अच्छा लगता है। ये देखिए, गन्ने को बस इतना छोटा छोटा ही काटना है। तो उसके बाद चलिए सब फ्रूट्स को इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। देख लिए, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में ये काटे हैं, तो ये खाने में अच्छा लगेगा। उसके बाद ये देखिए, गुड़ को भी इस तरह से हमने भी हम कद्दूकस जैसा कर लिए हैं। और उसके बाद चलिए, ये अदरक मैंने उसका छिलका हटा दिया है, बस इससे भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने में अच्छा लगता है। ये देखिए, इतना इतना अदरक चाहिए बस इतना से भोग में। तो चलिए इसे कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, कद्दूकस हो चुका है सब। बाउल में हम निकाल लिए हैं। उसके बाद ये जो पोहा था इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं 3-4 बार। बस पोहे को पानी में से छान लेते हैं, छान के उस भोग में डालेंगे। बस सब भोग को हम इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे दूध 1 ग्लास, और इसे डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। देखिए, आधा कप चावल का आटा। और उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, बस 1-2 बाउल इसमें पानी डालेंगे। तो बस इसमें थोड़ा सा चावल का आटा कम लग रहा था, तो यहाँ और थोड़ा मैं हला के डाल रही हूँ चावल का आटे को, और इसे डाल के फिर से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में डाल देते हैं कुछ काले मिर्च का पाउडर, कूट के इसे डाल दीजिए। तो ये बनके तैयार हो गया है। तो चलिए, ये तो बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, ये मकर संक्रांति में लगाने वाले भोग हमारा तैयार है बनके। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो चलिए, आप इसे बना के मकर संक्रांति में खाइए, खुश रहिए। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए थैंक यू।